असलम आज मैं आप लोगों के साथ मटन हंडी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही अमी बनती है और इसका बनाना भी बहुत ही आसान है इसके लिए मैंने दो अनियन ली है इसको तीन स्लाइस में कट किया हुआ है इसमें नमक इसके अलावा ज़ीरा है साबित ज़ीरा देगी मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च जो भी मिर्च आपके पास हो कलर की लिए ताकि आपकी हंडी का कलर अच्छा जाए। आ जाए क्यूमन एक टेबल स्पून मैंने लिया है साबित है अगर आप पाउडर डालना चाहते हैं तो वह भी डाल सकते हैं इसके अलावा इसमें रेड चिली है और ये सूखा धनिया है दर दर मैंने पिसा हुआ है इसे फ्लेवर थोड़ा सा इन्हेंस हो गया आता है और मैंने सबित जो है लहसुन की दो वो ली है और दो मिर्चें ली है अदरक लहसुन जो है वो मैं चॉप चौपके हुआ डाल रही हूँ अगर आपके पास पेस्ट है तो आप एक एक टेबल स्पून इसमें टेबल स्पून इसमें पेस्ट डाल सकते हैं चॉप की हुई से थोड़ा सा फ्लेवर में फ़र्क आता है अदरवाइज सेम चीज़ है इसमें मैं शेज़वान इस जो है चटनी डालूंगी एक टेबल स्पून ये भी स्पाइसी होती है मज़ा आता है इसको खा के और ये है मटन जो है मटन मसाला है इसके बाद इन अनियंस को मैं अच्छी तरीके से इसमें स्पाइसी ज़्यादा है तो ग्लव्स के साथ ही करें अदरवाइज़ आपका उंगलिया जो है जल्दी का खदशा होता है इसमें मैं ऑयल डालूँगी ये एक ही कप में डालूँगी इसमें इसी में ये कुक भी होगा तो इसको अच्छी तरीके से मैंने इसको मेरीनेट किया है इसमें अब जो हंडी हमारी है हंडी मैंने ली है बड़े साइज़ की ली है ताकि अच्छी तरीके से इसमें कुक हो जाए मटन हमारे पास तकरीबन एक किलो है ये विद बॉर्न है आप विदाउट बॉन्स की भी ला सकते हैं लेकिन हंडी में बॉन्स के साथ इसका फ्लेवर अच्छा आता है मैं थोड़ी सी अनियन जो है मेरीनेटेड अनियन थे वो नीचे डाल दिए हैं और बाकी के अनियन को मैं जो हमारा मटन था उसी में ही मैं इसको मेरीनेट करके डालूंगी थोड़े से टमाटर नीचे जो तय है उसमें मैं डालूँगी और टमाटर मैंने ली है तीन बड़े साइज़ के टमाटर ये मटन हमने मेरीनेट किया हुआ है उन्हें अनियन में जिसमें मैंने सारे स्पाइसेस लाए थे इसको मैं शामिल करूँगी अब हंडी में हंडी में शामिल करने के बाद जो है बाकी के जो प्रोसीजर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसको अच्छी तरीके से एडजस्ट कर ले इसके बाद जो हमारे बचे हुए टमाटर थे तीन बड़े साइज़ के टमाटर मैंने इक्वली साइज में कट किए हुए हैं तो टमाटर आपके थोड़े से पकी हुई होने चाहिए क्योंकि हंडी है हंडी में इसको हमने बिल्कुल मैश करना है बाद में भी एक प्रॉपरली वन आवर तक कुक होगा तो ये आराम से मैश हो जाएंगे इसमें लेकिन अगर ग्रीन कलर की आपकी हो प्रॉपरली पके हुई टमाटर ना हो तो फिर थोड़ा सा मसला कर सकता है फिर आप इसको पेस्ट करके ही डाल दें इसमें मैंने दो हरी मिर्चें डाल दी है तो इस पर अब जो है हमने एक जो गुंधा हुआ हमारे पास आटा होता है उसको हम हाथों की मदद से इस तरह एक ही एक ही साइज़ में इसको अच्छी तरीके से हम हमारी हंडी जो है उसकी इर्द गिर्द हम इसको लपेट लेंगे ताकि इसके ऊपर जब हम डकन रखेंगे तो हमारा डकन जो है वो बिल्कुल सील हो जाए कुक होता जाए इसमें मैंने एक गिलास जो है पानी शामिल किया है और इस पर ढक्कन रखूँगी और इस पर अच्छी तरीके से प्रेशर हम देंगे ताकि इसके अंदर जो है अच्छी तरीके से स्टीम बनता जाए और कई भी कोने से इसकी जो है स्टीम ना निकले तो इसका जो आटा हमने जिस तरीके से लगाया है इसको तो वो सारा इक्वली एक जैसा हो कहीं से मोटा कहीं से पतला ना हो फिर इसका जो स्टीम है निकलने का खदशा होता है तो इसको अच्छे तरीके से सील करने के बाद हमने अंज को बहुत हल्की दिन में अंच पर रखा है तकरीबन वन आवर तक वन आवर के बाद जो है आप देख सकते हैं कि हमने हल्का सा इसमें में हूल के हुआ ताकि इसका सारा स्टीम निकल जाए तो आसानी से अब हमारा जो है न, मटन हमने वो बिल्कुल इसका पानी खुश करेंगे अब मैंने तकरीबन टू टेबल स्पून इसमें बटर डाला है ताकि इसका भी एक अच्छा सा फ्लेवर आया है और हमारी जो मटन हंडी है वो बहुत रिच फ्लेवर इसमें हो तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें अभी थोड़ा सा ग्रेवी है अगर आप रखना चाहते हैं तो ग्रेवी रख सकते हैं लेकिन मैं सुखाऊंगी और आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार सी मटन हांडी बिल्कुल रेडी है उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो कहेंडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताए कि आपको मेरी आज की मटन हांडी की रेसिपी कैसी लगी थैंक यू